Okay, so these are the two questions. Pehla question hai, which of the given evolution trait is not related to cancer formation? Pehla hai mutation rate, rate of reproduction. If, what is the rate of reproduction in that animals or like in that group of animals? The natural selection of transformed cell and the type of individuals being produced. Ke ladka paida ho raha hai ki ladki paida ho rahi hai, theek hai? तो आपको ये बताना है, इन ये जो गिवन एवोल्यूशन ट्रेट है इसमें से कौन सा है जो कैंसर फॉर्मेशन से उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, ओके फाइन गुड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मेटास्टैटिक कैंसर? इनवेसिवनेस, पॉलीक्लोनल ओरिजिन, मोनोक्लोनल ओरिजिन, अफेक्ट नेबरिंग टिश्यूज, सेल्स कैन बी फाउंड इन ब्लड। अब आपको पहला क्वेश्चन, इनवेसिवनेस, मोनोक्लोनल ओरिजिन। सर आप सभी सर स्टूडेंट्स को आप प्लीज ये बोलिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, बोलने दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। ओके, तो ट्रू फॉर मेटास्टैटिक कैंसर, पहले ये बता दो, इनवेसिवनेस यस होता है, पॉलीक्लोनल ओरिजिन तो नहीं होता है, मोनोक्लोनल ओरिजिन होता है, गुड, अफेक्ट नेबरिंग टिश्यूज एंड सेल्स कैन बी फाउंड इन ब्लड, यस, क्योंकि वो जो सेल्स होती है वो ओरिजिनल टिश्यू से निकल के ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है? अच्छा, अब विच ऑफ द गिवन एवोल्यूशन ट्रेट इट इज नॉट रिलेटेड, देखो म्यूटेशन रेट का मतलब है एक पर्टिकुलर, यू नो, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक जीन में पर यूनिट टाइम म्यूटेशन होगा, यस ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा ट्रेट, ठीक है? फिर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एवरेज नंबर, यू नो, कितने एक एनिमल प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, यस वो भी होगा कि भाई कम प्रोड्यूस करेगा तो चांसेस आर लेस के कैंसर कम होगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देर आर मोर चांसेस के उतने ज्यादा लोगों को कैंसर होने की टेंडेंसी होगी। तीसरा, नेचुरल सेलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल, यस ये भी होगा कि जो ट्रांसफॉर्म सेल अगर बॉडी के अंदर बन गई है, मतलब जो एक एबनॉर्मल सेल है अगर वो सेलेक्ट हो जाए बॉडी के अंदर तो वो फिर, यू नो, दैट्स ए काइंड ऑफ एन एवोल्यूशनरी ट्रेट ओनली। एंड देन टाइप ऑफ इंडिविजुअल बींग प्रोड्यूस, ये सबसे लीस्ट लाइकली पॉसिबल रीजन है कैंसर फॉर्मेशन का। इसका मतलब यह है कि मेल हो रहा है या फीमेल हो रही है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन और एपिजेनेटिक म्यूटेशन बोथ हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ, यू नो, डेवलपिंग कैंसर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया? सर बी वाला नहीं समझ में आ रहा, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। नहीं, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन डी वाला, सर डी वाला, पहले बी बोल लूं फिर डी बोल लूं, ठीक है? ओके, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप ऐसे सोचो, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ जनरेशंस ऑफ प्रोजेनी व्हिच आर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है? उसको हम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब कुछ एनिमल्स में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, कुछ एनिमल्स में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम होता है। अब अपने आप ये सोचो कि कुछ प्रोजेनी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्रोजेनी कम प्रोड्यूस करते हैं। अब जो प्रोजेनी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर द चांसेस आर मोर के, यू नो, जो प्रोजनीज होंगी अगर उनके अंदर, यू नो, सम म्यूटेशंस एंड ऑल हैव हैपेंड तो देर आर चांसेस कि आपको ज्यादा लोग दिखेंगे जिनके अंदर कैंसर होगा। लेकिन जो कम प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं वो ऑलरेडी नंबर कम है तो ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ, यू नो, टाइम स्केल उनके अंदर नंबर भी आपको कम दिखेंगे जिनके अंदर कैंसर होगा। आगे समझ में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट, ठीक है? अच्छा, इसके बाद है टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग प्रोड्यूस। अब टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग प्रोड्यूस का मतलब यह है कि क्या एवोल्यूशनरी ट्रेट ये भी डिसाइड करेगा कि एक फैमिली अगर मेल प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी फैमिली अगर फीमेल प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर जो फीमेल ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है उनके अंदर ज्यादा चांसेस है कैंसर डेवलप होने के कंपेयर टू जो मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। यस, होता है, कुछ एनिमल्स के अंदर ये भी ट्रेट होता है कि फीमेल प्रीडोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, बट हम इसको इस बेसिस पे सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि जी जो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेक्स को फेवर करेगा कि उन्हीं के अंदर कैंसर हो। अब आ गया समझ में? ठीक है, एम आई क्लियर विद दीज टू क्वेश्चन? सबने लिख लिए? जब ये क्वेश्चन पढ़े थे ना, टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, हमें ये नहीं समझ में आया था कि सेक्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर रहा है। आपने ये सोचा था कि इधर इट इज ए, यू आर टॉकिंग लाइक इट मे बी कैट, लायन, ह्यूमन, ये सोचा होगा आपने, राइट? यस सर, मतलब ये क्या समझ में आया कि टाइप ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स?
ओके 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 नहीं नहीं ठीक है. सो बेसिकली मतलब करेक्ट वे ऑफ, मुझे भी इसको ऐसे लिखना चाहिए था, यू नो डिफरेंट सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, दैट वुड हैव बीन एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन. क्योंकि वो कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट. टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैट्स, लायंस, माइस, ह्यूमंस, वो भी एक चीज हो सकती है उसके अंदर. ठीक है, यस, आपने ऑल ऑफ यू हैव रिटन. ओके, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है. तो द क्वेश्चन सेज यू हैव ए नॉर्मल कोलन सेल एंड एबनॉर्मल कोलन सेल विद ईजीएफआर कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन. तो आपके पास एक नॉर्मल कोलन की सेल है, एक एबनॉर्मल कोलन की सेल है, और जो एबनॉर्मल कोलन की सेल है उसमें ईजीएफआर का जो रिसेप्टर है उसमें कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन हुई है. आपको बताना है विच ऑफ द गिवन ग्राफ ट्रूली डिपिक्ट सिग्नलिंग इन दीज सेल्स इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस, प्लस मतलब प्रेजेंस एंड माइनस मतलब एब्सेंस, इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ईजीएफ, कि अगर ईजीएफ होगा और अगर नहीं होगा. तो ये जो वाई एक्सिस है मैं एक में लिख देता हूं, दिस इज एक्टिविटी. ठीक है, तो यहां पे जो एक बार जो बने हुए हैं, पहला वाला नॉर्मल है, दूसरा एबनॉर्मल है. यहाँ पे पहला वाला नॉर्मल है, दूसरा एबनॉर्मल है. आपको इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन बताना है जो ट्रूली डिपिक्ट करेगा इस सिग्नलिंग. तो डी में, अब मेरे को एक चीज बताओ, नॉर्मल सेल में सिग्नलिंग कब होगी, ईजीएफ की प्रेजेंस में होगी या एब्सेंस में भी होगी? ओके, तो पहला वाला अगर आप देखोगे ये नॉर्मल सेल है, क्योंकि मैंने एक ही ग्राफ में लिखा है बस, तो ये नॉर्मल सेल है. अगर ईजीएफ नहीं है तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, यू कैन सी. ठीक है, ओके फाइन. अब यहाँ पे अगर आप देखो ईजीएफ अगर है तो सिग्नलिंग हो रही है. तो इसका क्लियर कट मतलब ये हो गया कि ये वाला ग्राफ जो है वो नॉर्मल सेल के लिए तो करेक्ट है. ठीक है, अच्छा अब एबनॉर्मल सेल के लिए देखो, उसमें क्या ये कहना ठीक है कि ईजीएफ अगर नहीं भी होगा तो भी सिग्नलिंग होगी, होगा तब भी सिग्नलिंग होगी? मैं इसमें सोच सकता हूँ कि स्टूडेंट बी और डी में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कुछ यूनिक आंसर सी आया है. ही होगा सर, डी ही होगा. डी है आंसर, आंसर तो डी है. बट व्हाट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर के जो स्टूडेंट जिन्होंने सी सोचा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने सी सोचा है? जो नॉर्मल सेल है वो सिग्नलिंग एक्टिविटी कब करेगी, ईजीएफ की प्रेजेंस में करेगी या एब्सेंस में करेगी, ये बताओ. प्रेजेंस. ओके, यहाँ पे देखो नॉर्मल, अब हम हर ग्राफ को देखते हैं. नॉर्मल ईजीएफ की एब्सेंस में सिग्नलिंग नहीं कर रही है, लेकिन प्रेजेंस में सिग्नलिंग कर रही है. ठीक है, ओके फाइन. अब ये बताओ, ऐसा ग्राफ आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, करेक्ट? सिर्फ इन्हीं दो के अंदर आपको ये चीज दिख रही है, करेक्ट? ठीक है, अच्छा चलो इसको भी मान लो कि ये थोड़ी एक्टिविटी कर रहा है, ये उससे ज्यादा है, मान लो ये भी करेक्ट है. ठीक है, बट नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, जो एबनॉर्मल सेल है वो सिग्नलिंग कब करेगा, ईजीएफ की प्रेजेंस में करेगा या एब्सेंस में भी करेगा? अब अगर वो दोनों में करेगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्राफ है जो उसकी एब्सेंस में भी एक्टिविटी शो कर रहा है और प्रेजेंस में भी एक्टिविटी शो कर रहा है एबनॉर्मल सेल की, और वो है आपका डी. आ गया समझ में? सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, तो दे आर इजी, कुछ भी नहीं है. बट ये है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिग्नलिंग क्या हो रही है. अब वैसे तो देखो अगर ये कैंसर का क्वेश्चन है, बट चार मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा ही, अगर आएगा तो ठीक है. अब उसमें अब कंफ्यूजन अगर बच्चे को हो जाए यू नो, तो फिर वो चार मार्क्स लूज हो जाते हैं. सो प्लीज डोंट ट्राई टू डू दैट. ठीक है, अच्छे से देख लेना ग्राफ में क्या दिया हुआ है आप लोगों को. ठीक है, ओके. तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ग्लीवेक और ST-571 एक ये ड्रग है जो अभी हमने डिस्कस किया है. इट्स कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट CML पेशेंट्स, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया पेशेंट्स. ठीक है, तो क्या देखा गया, अबाउट 5% ऑफ द टोटल पेशेंट दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस ड्रग. मतलब 95% पेशेंट तो रिस्पॉन्ड करते हैं, यू नो वो ट्रीट हो गए, लेकिन उन पॉपुलेशन में 5% ऐसे लोग पाए गए जो इस ड्रग के अगेंस्ट यू नो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मतलब उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, ये मतलब है, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस ड्रग. तो आपके हिसाब से ये पूछा गया कि व्हाई व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट. इट इज अ लार्ज साइज ड्रग, सम पेशेंट डेवलप रेजिस्टेंट सेल्स, ड्रग कैन ओनली फंक्शन इन स्पेसिफिक रेस ऑफ ह्यूमंस, एंड देन दीज पेशेंट्स माइट हैव अदर म्यूटेशंस रेंडरिंग ड्रग एक्ट. तो बी भी करेक्ट है ना फिर? दोनों करेक्ट है, यस सर, क्योंकि यस सर रेजिस्टेंट बात तो एक ही लिखी है मैंने, एक को इलेबोरेट कर दिया, एक को कंप्रेस कर दिया. TSR में क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑप्शन आएंगे ए बी, बी डी, ए बी सी, ऐसे आएंगे. अच्छा, हमने डी.